फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डॉटर्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा एक छोटा सा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सब कैसे? आई होप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, एक तरफ गुड़ वाली और एक तरफ चीनी वाली। तो चलो हम दिखाती हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बन रही है चाय और यहाँ पे है चीनी वाली चाय और दूसरी तरफ है गुड़ वाली चाय। तो हमारे घर पे हमेशा ऐसे दो तरह की चाय बनती है, एक गुड़ वाली और एक चीनी वाली। तो ये है चीनी वाली चाय और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये है गुड़ वाली चाय। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कंटिन्यू व्लॉग इंजॉय करते रहिए। यहाँ पे हमारी चाय जो है बन चुकी है, आप सब भी पी लीजिए। और अब हम सब ने चाय वगैरह पी ली थी तो अब हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्जी। तो तेल गर्म हो चुका है, उसमें डाल दिया हमने जीरा। और आज हम बना रहे हैं न्यूट्री की सब्ज़ी, जो होती है न्यूट्री की सब्ज़ी बनाएंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज और अच्छे से इन्हें वो हल्का सा पिंक कलर होता है ना वैसे जब भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर टमाटोस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो लहसुन होता है वो भी हमने कूट के डाल दिए इसके अंदर और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि एक जगह ही नारे कंप्लीट पूरी सब्जी में उसका टेस्ट रहे अच्छे से। फिर वही नॉर्मल से मसाले जो हमेशा डलते हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सब डाल देंगे। और ये आप देख सकते हो कितना अच्छा सा एक बन गया, कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें हमने पानी भी डाल दिया साथ में ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो जसना वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा हुआ है रोहित। और अब हम इसके अंदर कर देंगे न्यूट्री ऐड। तो चलिए डाल देते हैं न्यूट्री। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
above the moon. और यहाँ पे अब बन रही है चपाती। सब्जी वहाँ पे बन रही है दूसरी साइड और यहाँ पे बन रही है चपाती। यहाँ पे जो हमारी सब्जियाँ बन चुकी है और यहाँ पे बन रहे ट्रायंगल वाली परांठे, तो हमें तो ये वाली ही सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका अलग से एक फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, तो हम तो हमेशा यही बनवाते हैं। आप सबको कौन से परांठे सबसे ज़्यादा पसंद है आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब ये आ गया है बीटरूट परांठा। पहले सिंपल परांठा था, अभी बीटरूट वाला परांठा है और ये आप यकीन मानो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। और न्यूट्री की सब्ज़ी ज़्यादा मैंने साथ में ली थी कर, तो उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है। और यहाँ पे हमारी प्लेट लग चुकी है, ये सिंपल वाली परांठा जो होता है वो वाला, और साथ में कर्ड और न्यूट्री की सब्जी। And I know you would say I gave up way too soon. आप देख सकते हो इसका अलग ही कलर आ रहा है, एकदम पिंक पिंक सा, बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो चलिए आप सब भी खा लीजिए। यहाँ पे है हमारा सारा खाना पीना, जो भी किचन की सफाई थी ये सब हो गया था। अब आया था पूरा सफाई करने के लिए। बेड वगैरह भी बिल्कुल ठीक हो गए थे, डस्टिंग वगैरह और बेड की बेडशीट वगैरह भी ठीक हो गई थी। तो अब हम कर लेते हैं सफाई। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम जल्दी लौटेंगे एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।